तो सबसे पहले तो गाइस यहाँ पे आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड साइड में ना आप लोगों को घंटी का बटन दिखाई देगा, आप लोग ना इसी पर क्लिक कर देना एंड ऑल पर सेट कर देना, ताकि आने वाला वीडियो ना आप सभी लोगों के लिए जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी लोग मुझे सच सच बताना कि आप सभी लोग फर्स्ट टाइम पहला मोबाइल स्क्रीन टच में से कौन सा कंपनी का पकड़ते थे। मतलब आप सभी लोग ना स्क्रीन टच मोबाइल सबसे फर्स्ट टाइम पहला टाइम कौन सा कंपनी का पकड़ते थे, आप लोग मुझे कमेंट करना, ओके। और गाइस मैं सच बताऊंगा तो मैं सबसे पहले 11th क्लास में था ना, तो मैं सैमसंग कंपनी का एक छोटा सा स्क्रीन टच मोबाइल पकड़ता था। तो गाइस यहां पे आप लोग ध्यान देना, आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों के लिए मैं एक सैमसंग कंपनी का एक अपकमिंग फोन लेकर आ चुका हूं, और यह फोन लॉन्च होने वाले हैं 2023 में। तो गाइस आप सभी लोग वीडियोस पर बने रहना, मैं टेक्निकल विनीत, और सबसे पहले तो स्वागत करता हूं उन लोगों को जो लोग गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं, और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो ना तो फटाफट से नीचे में रेड कलर का बटन दिखाई देगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना। चलिए गाइस वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज मैं लेकर आ चुका हूं सैमसंग कंपनी का स्पेशल स्मार्टफोन स्क्रीन टच मोबाइल, जिनका नाम है दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी A54। तो गाइस यहां पे आप लोग ध्यान देना, सबसे पहले तो बात करूंगा इस फोन का प्राइस के बारे में। उससे पहले यार यहां पे आप लोग फोकस करना, यह फोन अभी इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है, या लॉन्च होने से पहले, या मार्केट में आने से पहले, या फ्लिपकार्ट में अवेलेबल होने से पहले, या लोगों के हाथों में आने से पहले इनका फुल डिटेल देने वाला हूं। सो गाइस यह वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों बात करते हैं इस फोन का प्राइस के बारे में। इनका प्राइस सभी लोगों को अलग अलग वेबसाइट पर अलग अलग देखने को मिलेगा, लेकिन इनका जो प्राइस स्टार्ट होने वाला है 22,999 रुपये से। मतलब कहते आप सभी लोग कम से कम प्राइस वाला लेना चाहते हो, डाउन पेमेंट की बात करेंगे तो यह 23,000 के अंदर में मिलेगा। दोस्तों बात करेंगे इस फोन का स्नैपड्रैगन के बारे में, प्रोसेसर के बारे में, मीडिया टेक हेलो के बारे में, तो इसके अंदर में 7,000 देखने को मिलेगा, हाई क्वालिटी ऐड किया गया है। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस फोन का मेमोरी पावर के बारे में। गाइस यहां पे आप सभी ध्यान देना, या 3 या 4 ब्रांड में लॉन्च होगा, और सब ब्रांड के अंदर में अलग अलग फीचर देखने को मिलेगा, लेकिन आप सभी लोगों के लिए मैं अभी फिलहाल एक ही ब्रांड के बारे में बात कर रहा हूँ। इसके अंदर में मेमोरी पावर की बात करेंगे ना तो 6 GB रैम है, और इनका इंटरनल स्टोरेज की बात करेंगे तो 128 GB अवेलेबल कर देगा। दोस्तों यहाँ पे आप लोग ध्यान देना कि कुछ फोन के अंदर में डिस्प्ले साइज की बात करेंगे ना तो हाई देखने को मिलता है, मतलब बड़ा साइज का देखने को मिलता है, और कुछ फोन के अंदर में छोटे साइज का देखने को मिलता है। तो गाइस यहाँ पे आप लोग ध्यान देना, इनका जो डिस्प्ले साइज की बात करेंगे ना, सैमसंग गैलेक्सी A54 इनका जो डिस्प्ले साइज की बात करेंगे तो 6x5 इंच का देखने को मिलेगा। और गाइस यहां पे आप लोग ध्यान देना, इसके अंदर में सुपर अमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा। तो दोस्तों मैं हमेशा आप सभी लोगों को बताते रहता हूं कि कुछ फोन के अंदर में ना सुपर अमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, और कुछ फोन के अंदर में केवल अमोलेड, और कुछ फोन के अंदर में LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है। तो गाइस यहां पे आप लोग ध्यान देना, इसके अंदर में ना सुपर अमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा। सभी लोगों को ना रिजोल्यूशन के बारे में पता नहीं होता है, उन लोगों को अच्छे तरीके से पता होता है जो लोग गाइस अपने फोन के अंदर में कंप्यूटर PC के अंदर में फोटो वगैरह एडिटिंग करते हैं ना, तो उन लोगों को अच्छे से मालूम होता है। दोस्तों अब बात करूंगा इस फोन का कैमरा सेटअप के बारे में। गाइस यहां पे आप लोग ध्यान देना, इनका जो बैक साइड का जो प्राइमरी कैमरा होता है ना, इनकी मेगापिक्सल की बात करेंगे तो यह गाइस आप सभी लोगों को 48 मेगापिक्सल का 48 MP का देखने को मिलेगा। अब दोस्तों बात करेंगे फाइनल इनकी सामने वाला इनका सेल्फी कैमरा के बारे में। गाइस यहां पे आप लोग ध्यान देना, इसके अंदर में सेल्फी कैमरा की क्वालिटी की बात करेंगे ना तो यह 32 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा, मतलब फुल HD+ में आप सभी लोग ना सेल्फी ले सकते हो। दोस्तों अब बात करूंगा इस फोन का बैटरी पावर के बारे में, लेकिन मुझे यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। इनकी प्राइस की बात करेंगे ना तो 22,000 से यहाँ स्टार्ट होने वाला है, लेकिन इनका जो बैटरी पावर की बात करेंगे ना तो यह थोड़ा सा डाउन देखने को मिलेगा। इनका जो बैटरी पावर सभी लोगों को 4500 mAh का देखने को मिलेगा, मतलब थोड़ा सा डाउन है। तो दोस्तों आई होप कि आप सभी लोगों को यह सैमसंग कंपनी का नया स्मार्टफोन के बारे में सैमसंग गैलेक्सी A54 का ऑल फीचर्स अच्छे समझ में आ गया होगा।
तो गैज मैं हूं टेक्निकल बिली। इंडिया में जितने सारे नए नए फोन लॉन्चेस होते हैं, अपकमिंग फोन होते हैं, उसके बारे में वीडियोस बनाता हूं। तो आप सभी लोग भी नए नए फोन के बारे में वीडियोस देखना चाहते हो ना, तो क्या करना होगा, आप सभी लोगों को नीचे में एक छोटा सा रेड कलर का बटन दिखेगा, गैज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना। चलिए गैज मिलता हूँ सेकेंड वीडियोज में, तब तक के लिए जय हिंद।